हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक तो हैं ना? आप लोग देख रहे हैं मैं मछली तल रही, तो मैं बता दूं कि हम लोग शाम को मूवी देख रहे थे साउथ वाला, तो उसमें मछली बना रहे थे। तो हम लोग का भी मन किया कि चलो आज मछली बनाते हैं, मछली और भात। तो मेरे हस्बैंड गए बाज़ार और मछली लेकर आए, तो मैं रात के डिनर में बस यही मछली और भात बना रही हूँ। मेरा आधा मछली तल चुका है और आधा मछली मैं इसके निकालने के बाद आधा तल लूँगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा आधा मछली तल चुका है और दूसरी बार डाल दूँगी कढ़ाई में। मैं मछली और चाहे मीट हो इसी कढ़ाई में बनाती हूँ, इस कढ़ाई में सटता नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गैस, मेरा मछली कितना अच्छे से तला हुआ है और अच्छे से तलने के बाद ही मछली खाने का मज़ा है, कच्चा नहीं रहता है इस तरह से। मेरा दूसरी बार का भी मछली तला गया है गाइस। अब मैं कढ़ाई दूसरी कढ़ाई चढ़ा के मैं उस पर मसाला भूनेंगे और उसमें कि आप लोग देख रहे हैं मैं दूसरी कढ़ाई चढ़ा रही हूँ और उसमें तेल भी डाल दी हूँ। मैं मछली वाला तेल में फिर सब अभी मसाला नहीं बनाती हूँ। गाइस, मेरा मसाला भी भून चुका है, अब मैं उसमें टमाटर डालूँगी। मैं मसाला भूनने के बाद ही टमाटर डालती हूँ ताकि मसाला कच्चा ना रहे, मसाला अच्छा सा भून जाए। हम लोग हर बार मीट या मछली नहीं लाते, हम लोग कभी कभार हो जाता है मंथ में एक बार। वैसे मैं हम लोग हरा सब्जी ही ज़्यादा हम लोग का घर में चलता है, मीट मछली कम ही खाते हैं हम लोग। तो कभी कभी मन करता है तभी हम लोग लाते हैं, वैसे नहीं लाते हैं ज़्यादातर। इसमें हम टमाटर भी डाल दिए हैं गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब मेरा देखिए मसाला भी भून चुका और टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। और देख रहे हैं जिस तरह मसाला भून चुका है, जिसमें तेल छोड़ देता उसी तरह मैं कढ़ाई में तेल छोड़ दिया, मसाला मेरा भून चुका है गाइस। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गाइस, मेरा मसाला भून चुका है, अब मैं पानी डाल रही हूँ। और पानी डालने के बाद मैं जब तक पानी मसाला वाला पानी खोल नहीं जाएगा तब तक मैं मछली नहीं डालूँगी, और खोल जाएगा उसके बाद ही मछली डालूँगी उसमें। गाइस, मेरा मसाला वाला पानी खोल चुका है, अब मैं इसमें मछली डाल दे रही हूँ और थोड़ी देर तक इसको भी खोलने दूंगी, उसके बाद ही उतारूँगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं सारा मछली इसमें डाल दे रही हूँ ताकि अच्छा से मसाला और नमक इसमें मिल जाए। खोलने के बाद मैं सारा मछली इसमें डाल दे रही हूँ गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं सारा मछली डाल दे रही हूँ। जितना मछली तली थी मैं सारा इसी में डाल दे रही हूँ ताकि अच्छा से मसाला और नमक दोनों अच्छा से मिक्स हो जाए इसमें। गाइस, मेरा मछली हो चुका है, अब मैं इसको उतार के उसके बाद चावल वाला पानी का चूल्हे पे चढ़ाऊँगी। मेरा गैस ख़त्म हो चुका था तो इसीलिए मैं कोयले वाला चूल्हा जलाई थी, और लाइन भी नहीं था गाइस, इन्वर्टर से ही मेरा लाइन जल रहा था, इसलिए मैं हीटर पे भी खाना नहीं बना पाई, इसलिए मैंने चूल्हा जलाया था कोयले वाला। मेरा मछली हो चुका है तो मैं बस आप जैसा देख रहे हैं मैं चावल का पानी चढ़ा दिए। मैं चावल इसलिए पीछे बनाती हूँ गैस, क्योंकि ठंडा का मौसम है तो अगर चावल पहले बन जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, इसलिए मैं चावल पीछे बनाई, पहले मैंने मछली बनाया उसके बाद ही चावल बनाया। और अब मैं अंडा बना रही हूँ गैस, क्योंकि मेरा बेटी मछली और मीट नहीं खाती है तो इसीलिए मैंने उसके लिए एक अंडा बना रही थी। चूल्हे पे तावा चढ़ा के तावे में ही मैंने एक अंडा बना दे रही हूँ ताकि मेरा बेटी खाना खाएगी और एक साथ ही हम लोग खाना खाएंगे। गाइस, मेरा अंडा बन चुका है, अब मैं खाना बांटने जा रही हूँ सबके लिए, हम लोग एक साथ ही खाना खाते हैं गाइस।
तो इसलिए मैं खाना अब लगा रही हूँ सबके लिए खाना, और टाइम भी हो चुका था खाना खाने का, तो इसलिए मैं सबका खाना एक साथ ही लगा दे रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मछली और भात है। गाइस हमारा रात का डिनर का मछली और भात आप लोग का कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा गाइस। अब हम लोग बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग खाने से पहले भगवान को याद करते उसके बाद ही खाना खाते हैं गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। वैसे तो गाइस मेरे 3 बच्चे हैं, हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं, मगर 2 बच्चे मेरे पढ़ाई कर रहे थे इसीलिए हम लोग तीनों साथ में खा रहे हैं, और दोनों पढ़ाई करके उसके बाद ही खाना खाएंगे इसलिए हम लोग आगे खा रहे थे। और मेरे 2 बच्चे थे तो उन्होंने बोला कि इस पढ़ाई करके ही खाना खाएंगे, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे थे। गाइस हम लोग रात में खाना साथ में ही खाते हैं, क्योंकि दिन में तो हम लोग एक साथ बैठ के खा नहीं पाते, सब अलग अलग समय पर घर आते हैं, जैसे जैसे घर आते हैं वैसे वैसे अपना अपना खाना निकाल के खाते हैं गाइस, और इसीलिए हम लोग रात का खाना साथ में ही खाते हैं। मेरे हस्बैंड लगा दिए थे मूवी, हम लोग मूवी भी देख रहे थे और खाना भी खा रहे थे, साथ में ही खाना खा रहे थे, मूवी भी देख रहे थे और खाना भी खा रहे थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। गाइस हम लोगों को साथ में बैठकर खाना खाने में आप लोग का कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा कि साथ में बैठ के खाना खाना चाहिए या अकेले में, आप लोग राय दीजिएगा कैसा लग रहा है।